So, हम सबकी कुछ ना कुछ आदतें होती है, कुछ अच्छी आदतें होती है, कुछ बुरी आदतें होती है, कुछ ऐसी आदतें होती है जिनकी मतलब हमारी डे टू डे लाइफ पे बहुत ज़्यादा उनका असर होता है। अभी जाके कमेंट करो कि आपकी कोई ऐसी अजीब सी आदत जो है ना आपके साथ बहुत ही कॉमन है, आपकी हैबिट है, बताना ज़रूर कमेंट में, पढ़ना पसंद करूंगा। और एग्जांपल मेरी भी कुछ आदतें हैं, मुझे सोने से पहले एटलीस्ट अपने कान में ईयरफोन्स लगा के आधा घंटा या 40 मिनट म्यूज़िक सुनना पसंद है, इसके बिना मैं सो नहीं सकता, मुझे नींद नहीं आती। इसके अलावा कभी कभार खाना खाने के टाइम या फिर स्नैक्स वगैरह लेने के टाइम मुझे मीठा खाना पहले पसंद है एंड बाद में नमकीन, ताकि मेरा मुँह का स्वाद बना रहे। लेकिन कभी कभार हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, फिर ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमें ये क्वेश्चन करने मजबूर कर देती कि भाई हमारी जो आदतें थी वो सही थी या गलत थी, ऐसे ये चीज़ क्यों कर रहे थे और ऐसे क्यों नहीं कर रहे थे। ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ, तो इस चीज़ का श्रेय जाता है मिस्टर हेमंत को फ्रॉम द होपलेस गीक, उनका चैनल जाके ज़रूर चेक करना। और उन्होंने मुझे एक चीज़ भेजी जिसने मुझे अपनी टाइपिंग की आदत पे क्वेश्चन करने को मजबूर कर दिया कि भाई मैं इतना गलत कैसे कर रहा था और अब मैं इसको कैसे सुधारूं। सो काफ़ी कुछ डिस्कस करने के लिए बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। तो ये है पेरिक्स का 335। पेरिक्स एक जर्मन कंपनी है जो एर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स बनाने में स्पेशलिटी रखती है। अभी एक एर्गोनॉमिक कीबोर्ड है, अभी एक स्प्लिट एर्गोनॉमिक कीबोर्ड है और एक स्प्लिट एर्गोनॉमिक मैकेनिकल कीबोर्ड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक एर्गोनॉमिक कीबोर्ड होता क्या है। अगर हम लोग गूगल के डेफिनेशन समझे तो वो है, सिंपल शब्दों में कहें, गूगल का कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा कीबोर्ड जो अपनी कीज को इस तरीके से अरेंज करता है जिससे आपके हाथों का कंफर्ट बढ़े और मे बी हेल्थ भी बढ़े। एंड एक पर्सन एर्गोनॉमिक कीबोर्ड जनरली तीन रीजंस की वजह से यूज़ करता है। सबसे पहला रीज़न हेल्थ के लिए, अपने रिस्ट की हेल्थ इंक्रीज करने के लिए। दूसरा रीज़न कंफर्ट के लिए, आपके हाथ हेल्दी है लेकिन थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए टाइपिंग को। एंड तीसरी चीज़ है जो एक्चुअली कीबोर्ड एंथुजियास्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है टाइपिंग स्पीड। एक एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, खासकर अच्छी तरह डिजाइंड एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, एक्चुअली आपकी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकता है। अब हम लोग उस हेल्थ वाले पॉइंट पर थोड़ा दोबारा जाते हैं। एंड आप सबको पता होगा कि हम सबके हाथ एक रेस्टिंग पोजीशन होती है नेचुरली, एंड ये करीब ऐसी दिखती है। एंड अगर आप इस नेचुरल पोजीशन के ज़्यादा इधर उधर रहते हैं तो आपको अपने रिस्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें से सबसे कॉमन है कार्पल टनल सिंड्रोम। अब ये जो पेरिक्स 335 कीबोर्ड है, ये इन सारी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं सॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे आप साइड से देख रहे हैं तो ये हमारे एक्सटेंशन को, रिस्ट एक्सटेंशन और फ्लेक्शन को थोड़ा सा कंट्रोल में लाता है। किस तरीके से? वेल, सबसे पहले यहाँ पे तो एक रिस्ट स्ट्रेस है, इसकी वजह से हाइट नेचुरल हो जाती है। दूसरी तरफ मैंने पहली बार किसी कीबोर्ड में देखा है कि यहाँ पे जो हमारे फीट है, कीबोर्ड फीट है, वो आगे होने की बजाय पीछे हैं और ये तीन लेवल्स पे एडजस्टेबल है। एंड इसकी वजह से जो आपको एंगल मिलता है वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और आप इसको खड़े होकर भी चला सकते हैं, आप इसको बैठ के भी चला सकते हैं। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑड लगता है, मतलब आप कितने हाइट पे कीबोर्ड को यूज़ करना, लेकिन धीरे धीरे आप इसके यूज़ तो हो जाते हैं एंड एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। इसके अलावा ये कीबोर्ड हमारी प्रोनेशन और सुपिनेशन वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है। कैसे? जस्ट बिकॉज ये एक्चुअली कर्व्ड कीबोर्ड है। अगर आप देख रहे हैं सामने से, हमारे नॉर्मल कीबोर्ड जनरली फ्लैट होते हैं सामने से, लेकिन ये एक्चुअली कर्व्ड है, इसका रिस्ट रेस्ट भी कर्व्ड है। एंड इसी कर्व की वजह से हमारी जो प्रोनेशन वाली मूवमेंट है, सुपिनेशन वाली मूवमेंट है रिस्ट की, वो कंट्रोल हो जाती है और एक नेचुरली इस शेप में हम अपने हाथ यहाँ पे रखते हैं। एंड लास्ट में हमारी डेविएशन वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। क्यों? बिकॉज आप देख सकते हैं कीबोर्ड एक्चुअली पूरा स्प्लिट अपार्ट है, एक साइड पे अलग कीज़ है, एक साइड पे अलग कीज़ है, ये दोनों एक एंगल पे सेट है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नेचुरली आप अपने होम रो पे अपनी उंगलियाँ सेट कर सकते हैं। एंड मैंने जब इसको पहली बार भी यूज़ किया, मतलब फर्स्ट टाइम भी जब मैंने इसको अपने हाथ इस पे सिर्फ रखे, मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ मैं इस पे अच्छा टाइप कर सकता हूँ। लेकिन वो अलग बात है, मेरी टाइपिंग की स्पीड आपको भी जैसे पता चलेगा वो टट्टी रही। अब ये तो वही कहने सुनाने वाली बात है, अब बारी है ये डिस्कस करने की क्या ये फीचर्स ने एक्चुअली मेरी टाइपिंग को इम्प्रूव किया या नहीं। एंड ये वो पॉइंट है वीडियो का जब मैं शेयर करूँगा कि कैसे इस कीबोर्ड ने मेरी टाइपिंग की आदतों को क्वेश्चन किया। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद एन ई, लेकिन मेरी कहानी शुरू होती है बी से। ये है मेरे राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर।
और मैं इसको यूज़ करता हूँ एक कीबोर्ड पे बी प्रेस करने के लिए। लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल कीबोर्ड फिंगर प्लेसमेंट चार्ट को चेक करता हूँ, हमें ये रियलाइज़ होता है कि मैं गलत उंगली यूज़ कर रहा था बी को प्रेस करने के लिए। अब नॉर्मल कंडीशन में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने मैसेजेस डिलीवर कर पा रहा था, मैं ऑनलाइन जाके कमेंट सेक्शन में रेसिज्म या फिर मिसोजिनिस्ट कमेंट्स ईजिली लिख पा रहा था एंड मेरी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन जब से मैंने इस पेरेक्स कीबोर्ड पर स्विच किया, तब से मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कितना गलत काम कर रहा था। वो रेसिज्म वाला नहीं, एक्चुअली टाइपिंग में, बिकॉज मैं बार बार अपना राइट हैंड यूज़ कर रहा था बी लेटर को प्रेस करने के लिए, लेकिन इस कीबोर्ड में बी लेटर एक्चुअली पूरी तरह अलग जगह पे है एंड मेरी मसल मेमोरी उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रही थी। अब हो ये रहा था कि उस पोजीशन की वजह से मैं अपने फिंगर से बी की जगह एन प्रेस कर रहा था, जहाँ मुझे ब्रो लिखना था वहाँ पे नरो लिख रहा था, जहाँ पे मुझे बाय लिखना था वहाँ पे नाई लिख रहा था, जहाँ पे बी सी लिखना था वहाँ पे मैं एन सी लिख रहा था। अब एक सेकेंड पॉइंट जो इस कीबोर्ड से डायरेक्टली जुड़ा तो नहीं हुआ लेकिन मैंने फिर भी नोटिस किया, वो ये है कि एक नॉर्मल पर्सन जब टाइपिंग करना सीखता है, पहली बार सीखता है, उसको सजेस्ट किया जाता है कि वो 8 फिंगर्स अपने यूज़ करे, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से मैंने टाइपिंग सीखी, यानी मेरी जो हैबिट बन चुकी है टाइपिंग की, उसमें मैं 5 फिंगर्स मैक्सिमम यूज़ कर पाता हूँ, जिस दिन मौसम अच्छा हो, जिस दिन दिन अच्छा हो, मुहूर्त अच्छा हो। तो कुछ वर्ड्स मैं ज़्यादा तेज़ टाइप कर पाता हूँ और कुछ वर्ड्स मुझे टाइप करने में ज़्यादा टाइम लगता है एंड इस वजह से ओवरऑल मेरी एफिशिएंसी में बहुत बड़ा गैप रह जाता है, ठीक है, और मेरी एक्यूरेसी भी नोज डाइव कर जाती है। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ चीज़ आपको सोचने में मजबूर कर देती है, एंड मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अब मैं ये सोच के दुखी हो रहा हूँ कि कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी के इतना टाइम गलत टाइपिंग में निकाल दिया। सो ये थी मेरी कहानी। अब बारी है इस कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा बात करने की एंड लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड है। अब मैकेनिकल थोड़ा स्पेशल है बिकॉज ये एक लो प्रोफाइल स्विच वाला मैकेनिकल कीबोर्ड है एंड लो प्रोफाइल स्विचेस का मतलब है कि इसका जो एक्चुएशन डिस्टेंस है और जो ओवरऑल ट्रैवल डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है एंड बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल वगैरह नहीं है तो ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा म्यूटेड है एंड मुझे अच्छा लगा। मुझे सच बताऊँ ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ये वाला डिज़ाइन, ये वाला लो प्रोफाइल स्विचेस कीबोर्ड। एंड फॉर्चुनेटली इसकी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे ठीक है। नॉर्मली लो प्रोफाइल स्विचेस के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत ज़्यादा पिंगी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेटालिक साउंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। दैट्स गुड इन माय ओपिनियन। सो ये रहा एक साउंड टेस्ट। अब यहाँ पे इस कीबोर्ड के साथ एक दो ज़रूर कंप्लेंट्स रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई रिमूवेबल केबल नहीं है। एक यूएसबी टाइप सी केबल तो मैं ज़रूर एक्सपेक्ट करता हूँ इस प्राइस में, चाहे मतलब एर्गोनॉमिक कीबोर्ड है या नॉर्मल कीबोर्ड हो। दूसरी चीज़, इस पर्टिकुलर मॉडल में कोई भी बैकलाइट नहीं है, ना वाइट लाइट है, ना आरजीबी, कुछ नहीं है। इसका एक अपग्रेडेड मॉडल आता है, उनकी वेबसाइट पर मैंने चेक किया था, वहाँ पे आपको प्रॉपर है ना आरजीबी बैकलाइट मिल जाती है। लेकिन जो यूजर इस कीबोर्ड को यूज़ करते हैं वो ऑलरेडी टच टाइपिस्ट होते हैं, मतलब बन जाएंगे, एटलीस्ट आई होप सो, एंड उनको शायद बैकलाइट की इतनी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन बैकलाइट ऑलवेज हेल्प्स। तीसरी चीज़ जिसने मुझे एक्चुअली सबसे ज़्यादा परेशान किया था वो था इसका नॉन स्टैंडर्ड बॉटम रो। सो यहाँ पे क्या है कि जेड की के नीचे एक्चुअली विंडोज़ की है, ऑल्ट की नहीं है, एंड मैं बार बार विंडोज़ की प्रेस कर रहा था जब भी मैं कंट्रोल्स या ऑल्ट वगैरह कुछ भी यूज़ कर रहा था, जूम वगैरह एडिटिंग के टाइम, फोटोशॉप के टाइम। एंड लास्ट में टू कंक्लूड, मैं रिकमेंड करूँगा आप द होक प्लस गीक का चैनल जाके चेक करें, ही हैज़ मेड अ फुल फ्लेज वीडियो ऑन इट। उन्होंने सॉफ्टवेयर फीचर्स के बारे में बात की है और ज़्यादा दूसरे फीचर्स के बारे में बात की जिसको मैं यहाँ पे कवर नहीं करा बिकॉज ये मेरा इस कीबोर्ड का रिव्यू नहीं है, बिकॉज इट डज़ नॉट मेक सेंस, बिकॉज ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है पहली चीज़, एंड ये इंपोर्टेड मॉडल है, आपको जर्मनी से डायरेक्ट ऑर्डर करना पड़ेगा। एंड आई थिंक इसका जो प्राइस है वो 84 यूरोज है, आई गेस, आई एम नॉट श्योर। सो आई गेस ये मेरे वीडियो का एंड है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स पर ज़रूर बताना, या फिर आप होपलेस गीक को डायरेक्टली पिंग कर सकते हैं फॉर मोर इन्फो। मैं मिलूंगा आपको अगली बार, टिल देन।